संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार 1 मई को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। इस सीरीज में अभिनेत्री मनीषा कोइराला, आदित्य राव हैदरी, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख और शर्मिन सहगल नजर आ रही है। कई दर्शकों ने सीरीज को काफी पसंद किया तो वही कई संजय लीला बंसाली के इस काम से नाखुश नजर आए। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन और उनके बेटे अध्ययन सुमन इन दिनों फिल्म निर्माता निर्देशक संजय लीला बंसाली की पहली वेब सीरीज हीरा मंडी में नजर आ रहे हैं। सीरीज में अध्ययन सुमन नवाब जोरावर के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से फैंस को खूब दिल जीता। इसी बीच एक्टर ने सीरीज में अपनी को स्टार शर्मिन सहगल को सलाह दी है। इससे पहले सीरीज में नजर आ रही जयंती भाटिया ने शर्मिल को नसीहत दी थी। अध्ययन सुमन ने शर्मिन सहगल को ट्रोल किए जाने पर अपना रिएक्शन भी दिया। दरअसल एक्ट्रेस काफी समय से सीरीज में अपने सेम एक्सप्रेशन को लेकर काफी ट्रोल हो रही है। साथ ही कुछ यूजर्स को ये भी कहना है कि शर्मिन बंसाली की भांजी है, इसलिए उसको रोल मिला है, जिनको बंसाली ने खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने शर्मिन को उसके टैलेंट के दम पर सीरीज में कास्ट किया था। हाल ही में बॉलीवुड हंगामा के साथ एक इंटरव्यू में शेखर को शर्मिन के परफॉर्मेंस के बारे में अपनी राय शेयर करते हुए कहा कि वे समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने किरदार आलमजेब को जिस तरह से निभाया, उनको क्यों चुना गया, लेकिन स्थिति को देखते हुए अध्ययन ने उनके लिए अपनी एक सलाह दी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम हमेशा एक बबल बनकर नहीं रहना चाहिए। किसी भी तरह की रियलिटी को स्वीकार करना काफी जरूरी है, ना कि केवल हीरा मंडी को। साथ ही एक्टर ने कहा, ये समझना काफी जरूरी है कि आप कौन हैं। ये समझना काफी जरूरी है कि आपके पास अगले 12-15 सालों तक लड़ने की क्षमता है। आपके लिए खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। साथ ही अध्ययन ने कहा कि उन्होंने ट्रोलिंग ठीक नहीं लगी। उन्होंने बताया कि वे शर्मिन का समर्थन क्यों करते हैं। एक्टर ने कहा कि उन्होंने सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उन्होंने उनकी ओर से चुने गए कुछ ऑप्शंस को सही ठहराने की कोशिश की है। वही संजय लीला बंसाली ने OTT पर हीरा मंडी के दमदार प्रदर्शन के बीच अब इसके अगले सीजन को लेकर बस बना दिया है। हीरा मंडी 2 के लिए संजय लीला बंसाली ने अपनी कमर कस ली है। इसे लेकर नेटफ्लिक्स पर संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन की ओर से आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। साथ ही बंसाली ने बताया कि अब कोलकाता और मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपने फ्यूचर की तलाश में रहेगी। उन्होंने बताया कि आगे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हीरा मंडी सीजन 2 की कास्ट को लेकर बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही। हीरा मंडी के प्रदर्शन को देखते हुए बंसाली अपनी इसी कास्ट के साथ अगले सीजन के निर्देशन कर सकते हैं। स्टार कास्ट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हीरा मंडी के अंत के बाद अगले सीजन में दोबारा सोनाक्षी सिन्हा, संजीदा शेख, शर्मिन सहगल, मनीषा कोइराला, शेखर सुमन और फरदीन खान देखने को मिल सकते हैं। वही हीरा मंडी 2 के बजट की बात करें तो हीरा मंडी 2 के बजट को लेकर अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको बता दें हीरा मंडी पर मेकर्स ने पानी की तरह पैसा बहाया। पर्याप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हीरा मंडी का बजट 200 करोड़ रुपए था।